सहारनपुर बीती रात देवबंद के उपकारागार के जेलर पर हुआ जानलेवा हमला, जिसमें जेलर ने पेड़ के पीछे छिपकर बचाए अपनी जान। आपको बता दें कि बीती रात देवबंद में उपकारागार के जेलर पर अज्ञात व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया, जिसके संबंध में जेलर ने देवबंद कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि वह रात का खाना खाने के बाद टहलने निकले थे कि बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिसमें हमलावरों ने फायरिंग की। उन्होंने बताया कि उन्होंने पेड़ के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। शस्त्रों से लैस जेल के कर्मियों से खुद को घिरता देख बदमाश वहां से फरार हो गए। इस घटना को देखते हुए जेल ने कार्रवाई के लिए कोतवाली देवबंद पुलिस को तहरीर दी है। मौके से 315 बोर के 2 खाली खोखे भी बरामद हुए हैं। जेल ने कहा कि किसी षड्यंत्र के तहत कोई उनकी हत्या करना चाहता है, पुलिस जाँच में जुटी। ये घटना रात को 8 बजे के लगभग है। मैं शाम को 8 बजे ही खाना खाकर लगभग प्रत्येक दिन जो है टहलने के उद्देश्य से 10-15 मिनट घूमने के लिए निकलता हूँ और कारागार के मुख्य गेट तक आकर के, जो लगभग हमारे आवास से 100 मीटर की दूरी पर है, तो कल रात 10 मार्च 2022 को लगभग 8 बजे या 8:05 के आसपास हुए होंगे, मैं कारागार के मुख्य गेट से वापस अपने आवास की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं समझा कि कोई पटाखा इत्यादि चल रहा होगा। जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे दिखाई पड़ा बाउंड्री वाल के बाहर के 2 व्यक्ति तमंचे से फायर कर रहे थे हमारी तरफ। फिर मैं और बढ़ा आगे तो गेट की तरफ, तो वहाँ फिर फायर किए उन लोगों के द्वारा। तो वहाँ जेल वार्डर शरद, जेल वार्डर गिरी प्रसाद एवं PAC RHC सचिन भी वहाँ मुझे मिल गए गेट के पास। तो मैंने जब उनसे कहा क्या फायरिंग हो रही है, तो उन्होंने कहा साहब फायरिंग हो गई है। तो हम चारों लोग वहाँ छुप गए। छुपने के बाद अपने बचाव के लिए जो मुख्य द्वार पर संतरी तैनात होता है उससे राइफल लाने के लिए कहा गया, और इसी बीच वो धमकी देकर और गाली देते हुए भाग गए। लगभग कितनी फायरिंग? मेरे हिसाब से 6 या 7 फायरिंग किए हैं उन्होंने। तो जब घटना के उपरांत पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस भी आ गई, तो पुलिस द्वारा उसमें ढूंढा गया तो 315 बोर के 2 खोखे प्राप्त हुए। रात थी, घास ज़्यादा ऊंची थी, इसलिए अन्य खोखे वहाँ प्राप्त नहीं हो सके। 2 लोग थे, तो अपना चेहरा पर कपड़ा वपड़ा बांधे हुए थे, और जो उनके द्वारा फायरिंग की जा रही थी उससे जो निकलने वाली बारूद की आग भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी हम लोगों को।